फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। तो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है क्लॉक नेमसिन, जो कि सभी के फ़ोन में होती है। तो हम इसको ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको प्लस का आइकन देखने को मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप आर सेट कर सकते हैं। आप जिस भी घंटे का अलार्म सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आर सेट कर लेंगे। एंड यहाँ से आप मिनट सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इस तरीके से मिनट सेट कर लेंगे। एंड यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एम पी एम का। यहाँ से एम एंड पी एम सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिंगटोन का, आपको रिंगटोन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे साउंड्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको बैक जाना है। एंड यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वाइब्रेट विद अलार्म साउंड। अगर आप अलार्म साउंड को वाइब्रेट करना चाहते हैं तो इसको आप ऑन करके रख सकते हैं। एंड यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में अलार्म सेट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको ऑफ कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको उस पर प्रेस करते रखना है। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिलीट का, आपको डिलीट पर क्लिक करना है। आपको देख सकते हैं हमारे फ़ोन में अलार्म डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।